नमस्कार जी। आज की कक्षा में हम व्यक्तिगत शिक्षण की विधियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम व्यक्तिगत शिक्षण की विधियों में आज एक महत्वपूर्ण विधि परियोजना विधि के बारे में या प्रोजेक्ट मेथड के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमारा बिंदु है वो है परियोजना विधि। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे व्यक्तिगत शिक्षण की विधियों में खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, बुनियादी शिक्षा विधि, डाल्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि और विभिन्न प्रकार की विधियां हो चुकी हैं। इससे पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं हमारे जेएस एकेडमी चैनल पर जाकर के या मेरे फेसबुक पेज जोगिंदर सिंह झामरी पर जाकर के आपको वहाँ वो वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है जी। तो आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज का जो व्यक्तिगत शिक्षण की विधियों में हमारा बिंदु है वो एक बार मैं आपको बता दूं, वो है परियोजना। परियोजना विधि बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। पर्यावरण शिक्षा की तो सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। कौन सी विधि? परियोजना विधि। और इस परियोजना विधि का प्रारंभ तो हुआ था अमेरिका से। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो जी आइए बात करते हैं परियोजना विधि के बारे में। सबसे पहले इस विधि के बारे में बात करने से पहले मैं बात करूं परियोजना शब्द की, तो ये परियोजना शब्द प्रौद्योगिकी या इंजीनियरिंग की देन है। किसकी देन है? प्रौद्योगिकी या इंजीनियरिंग की देन मानी जाती है। क्या? परियोजना शब्द प्रौद्योगिकी की देन माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रौद्योगिकी की देन माना जाता है। किसको? परियोजना शब्द को। इस परियोजना शब्द का सबसे पहले प्रारंभ, सबसे पहले जो प्रारंभ किया था वह प्रारंभ किया था 1900 में। कब किया था? 1900 में किया था। यदि आपसे पूछा जाए कि परियोजना शब्द का सबसे पहले प्रारंभ 1900 में किया था किसके द्वारा, तो जी किसके द्वारा, किसके द्वारा? तो रियार्ड्स के द्वारा। किसके द्वारा? रियार्ड्स के द्वारा सबसे पहले प्रारंभ किया था 1900 में। यदि मैं आपको फिर बता दूं कि शिक्षा के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में इसे विधि बनाने का विचार, विधि बनाने का जो विचार था वह प्रस्तुत किया था जॉन डीवी ने। किसने? जॉन डीवी ने। किसने? एक बार पुनः देखेंगे जी, जॉन डीवी ने। तो यहाँ एक नाम आया है जॉन डीवी। जॉन डीवी के बारे में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि जॉन डीवी की पहचान मूलत है, तो हमें याद रखना है एक मनोवैज्ञानिक ना होकर के जॉन डीवी को क्या माना गया है? एक शिक्षाविद माना गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा, हमारी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि जॉन डीवी की पहचान होती है एक मनोवैज्ञानिक के रूप में ना होकर कि किसके रूप में? एक शिक्षाविद के रूप में। जॉन डीवी के द्वारा यह जो विचार था वह विचार दिया था दर्शन शास्त्र में। किसमें दिया था जी? दर्शन शास्त्र में दिया था। किन के द्वारा? जॉन डीवी के द्वारा। कब दिया था? 1912 में। 1912 में दर्शन शास्त्र में जॉन डीवी ने परियोजना को एक विधि बनाने का सर्वप्रथम क्या दिया था? विचार दिया था। इसी विचार से प्रभावित होकर कि जॉन डीवी के शिष्य, जॉन डीवी के शिष्य थे, उस शिष्य का नाम था किलपैट्रिक। क्या नाम था जी? किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने जॉन डीवी के विचारों से प्रभावित होते हुए
सन 1918 में और इस विधि का क्या कर दिया था, प्रतिपादन कर दिया था। क्या कर दिया था जी, प्रतिपादन कर दिया था। किसके द्वारा, जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक के द्वारा। तो आपसे यह पूछा जाए कि जॉन डीवी के द्वारा क्या दिया गया था प्रयोजना विधि का, तो विचार दिया था। कब दिया था, 1912 में दिया था, एक दर्शन शास्त्र में दिया था। और दर्शन शास्त्र के विचार के बाद में, विचार से प्रभावित होते हुए जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक के द्वारा 1912 में जब विचार दिया था, तो 1918 में विचार से प्रभावित होते हुए क्या बना दी थी, परियोजना विधि का क्या कर दिया था, प्रतिपादन कर दिया था। अब यही आपसे पूछा जाए कि यह विधि किस पर आधारित थी, तो कर की सीखने के सिद्धांत पर आधारित थी। आधारित किस पर थी, कर की सीखने के सिद्धांत पर। और कर की सीखने के सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं, वे माने जाते हैं मुख्य जॉन डीवी। कौन माने जाते हैं, जॉन डीवी। जॉन डीवी ने भी क्या कहा था कि मैं आपको यहाँ आगे और बता दूं कि अब हमारी चर्चा आती है कि यह विधि किस पर आधारित थी, तो कर के सीखने के सिद्धांत पर आधारित थी। अब परियोजना विधि का मुख्य उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य था परियोजना विधि का बालक में रचनात्मकता, रचनात्मकता / उत्पादकता का क्या करना, विकास करना। बालक में रचनात्मकता या उत्पादकता का विकास करना मुख्य उद्देश्य माना जाता है। किसका, परियोजना विधि का। परियोजना विधि किस पर आधारित थी, कर के सीखने के सिद्धांत पर आधारित थी। परियोजना विधि का एक महत्वपूर्ण बिंदु है वह यह भी माना जाता है कि परियोजना विधि, परियोजना विधि का मुख्य जो बिंदु माना जाता है, महत्वपूर्ण जो बात आपको याद रखनी है वह यह है कि परियोजना विधि किसी भी समस्या का कैसा हल निकालती है, व्यवहारिक हल निकालती है। परियोजना विधि किसी भी समस्या का व्यवहारिक हल, व्यवहारिक हल खोजती है। कैसा हल खोजती है, व्यवहारिक हल खोजती है। आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाए कि व्यक्तिगत शिक्षण की वह विधि जो किसी भी समस्या का व्यवहारिक हल खोजती है कौन सी है, परियोजना विधि है। तो जी आगे बात आती है परियोजना विधि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो कि विभिन्न प्रकार की विद्वानों के द्वारा दी गई हैं, उन पर हम परीक्षा की दृष्टि से जो हमारी महत्वपूर्ण है परिभाषाएं, उन पर हम विचार करेंगे। तो परिभाषाओं में पहली परिभाषा आती है सोरेंसन के अनुसार। किसके अनुसार, सोरेंसन के अनुसार। सोरेंसन ने परियोजना विधि को परिभाषित करते हुए कहा था कि परियोजना विधि किसी भी समस्या का व्यवहारिक हल खोजती है। कैसा हल खोजती है, व्यवहारिक हल खोजती है। ऐसी परिभाषा देने वाले कौन थी, सोरेंसन। सोरेंसन ने कहा था कि परियोजना विधि किसी भी समस्या का कैसा हल, व्यवहारिक हल खोजती है। हमारे सम्मुख कोई भी समस्या उत्पन्न हुई, यदि हम परियोजना विधि से उसका समाधान करेंगे तो वह हमारे कैसा हल निकाल कर देगी, उसका व्यवहारिक हल खोजती है। अब इस विधि के प्रवर्तक किलपैट्रिक के अनुसार, किलपैट्रिक ने परियोजना विधि को परिभाषित करते हुए कहा था कि परियोजना हमारी एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। क्या होती है,
एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया होती है जो कि पूरे मन के साथ सामाजिक परिवेश में पूरी की जाती है। परियोजना विधि एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है जो पूरे मन के साथ सामाजिक परिवेश में पूर्ण की जाती है। परियोजना विधि एक कैसी प्रक्रिया है? किलपैट्रिक के अनुसार उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जो पूरे मन के साथ किसमें पूरी की जाती है? सामाजिक परिवेश में पूरी की जाती है। तो जी परिभाषा हम याद रख सकते हैं कि किसी के किलपैट्रिक ने कहा था पेट में कील ठोक देना। पेट में कील ठोकने का कोई ना कोई उद्देश्य निश्चित होता है। हमारा किसी भी कार्य को करने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई लक्ष्य होता है। तो जी किलपैट्रिक ने कहा था कि परियोजना एक कैसी प्रक्रिया है? उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जो पूरे सामाजिक परिवेश में हमारे मन के साथ पूरी की जाती है। आगे परिभाषाओं के क्रम में हमारी परिभाषा आती है किसके अनुसार? स्टीवेंसन के अनुसार। स्टीवेंसन ने परियोजना विधि को परिभाषित करते हुए कहा था कि परियोजना एक समस्या मूलक कार्य है। परियोजना एक समस्या मूलक क्या मानी गई है? कार्य मानी गई है। किसके अनुसार? स्टीवेंसन के अनुसार। स्टीवेंसन ने परियोजना को परिभाषित करते हुए कहा था कि परियोजना एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया ना होकर के किसी भी समस्या का क्या करती है? समस्या मूलक कार्य है। ये परिभाषा दी थी स्टीवेंसन ने। परिभाषा पर एक बार पुनः विचार हम रखेंगे। पहली परिभाषा हमारे द्वारा पढ़ी गई थी सोरेंसन के अनुसार। सोरेंसन ने परियोजना विधि की परिभाषा देते हुए कहा था कि परियोजना विधि एक प्रकार की वह प्रक्रिया है जो किसी भी समस्या का व्यवहारिक हल खोजती है। कैसा हल खोजती है? व्यवहारिक हल खोजती है। किलपैट्रिक ने परियोजना विधि को परिभाषित करते हुए कहा था कि परियोजना विधि एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जो पूरे मन के साथ सामाजिक परिवेश में पूरी की जाती है। पारकन ने परियोजना विधि को परिभाषित करते हुए कहा था कि परियोजना एक इकाई है जो कि बालक को उसकी विषय वस्तु को बनाने और संपादित करने के लिए उत्तरदायी मानी गई है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? पार्कर के द्वारा दी गई थी। आगे हमने परिभाषाओं के क्रम में स्टीवेंसन की परिभाषा पढ़ी थी। स्टीवेंसन ने परियोजना विधि को परिभाषित करते हुए अपने विचारों के माध्यम से कहा था कि परियोजना एक समस्या मूलक कार्य है। कैसा कार्य है? समस्या मूलक कार्य है। आगे बात आती है यहीं परियोजना विधि के प्रकार। अब बात आती है हमारी परियोजना विधि के प्रकार। तो जी परियोजना विधि के जो प्रकार हैं हमारे, वो पहला है हमारा व्यक्तिगत परियोजना। दूसरा है सामूहिक परियोजना। पहला है जी हमारा व्यक्तिगत परियोजना। तो जी
दो प्रकार हैं परियोजना विधि के। कुछ विद्यार्थियों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि परियोजना विधि के हमने चार प्रकार पढ़े थे, तो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में अभी चर्चा नहीं हुई है। किलपैट्रिक के द्वारा वो चार प्रकार बताए हैं, वहां भी हम अध्ययन करेंगे, वहां भी हम पहुंच रहे हैं। पहले जी बात आई थी कि व्यक्तिगत परियोजना, जब अध्यापक के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को या किसी भी व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है या परियोजना बनाई जा रही है, तो वह कैसी होगी? हमारी व्यक्तिगत होगी। जैसे जी चार्ट बनाना, चटाई बनाना, चार्ट बनाना, चटाई बनाना, मॉडल तैयार करना, चित्र बनाना, ये सभी हमारे कैसे हैं? ये समूह में ना बनाकर कि यदि एक व्यक्ति इनको बना रहा है तो हमारी व्यक्तिगत परियोजना कहलाएगी। और सामूहिक परियोजना, जैसे हमें कोई जागरूकता रैली निकालनी है, जैसे हमें एक समूह की आवश्यकता है किसी कार्य को करने के लिए, जैसे हमें जागरूकता रैली निकालनी है, जैसे हमें वृक्षारोपण करना है, वृक्षारोपण करना है, तो जी सामूहिक रूप से या कोई भी रैली निकालनी है, रैली के लिए भी हम क्या लेंगे? समूह का। तो समूह में जो कार्य किया जाता है वह हमारी कैसी परियोजना होगी? सामूहिक परियोजना होगी। और जब एक व्यक्ति विशेष के द्वारा वह कार्य किया जाता है तो हमारी वह कैसी परियोजना होगी? व्यक्तिगत परियोजना होगी। अब बात यही आ जाती है कि किलपैट्रिक के अनुसार परियोजना विधि के प्रकार, विधि के प्रकार, तो जी किलपैट्रिक ने अपनी पुस्तक थी जी किलपैट्रिक की, वह थी फाउंडेशन ऑफ मेथड। पुस्तक का नाम था फाउंडेशन ऑफ मेथड। इस पुस्तक में किलपैट्रिक ने परियोजना विधि के चार प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे? चार प्रकार। पहला प्रकार है हमारा रचनात्मक परियोजना। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें किसी वस्तु का क्या किया जाए, निर्माण किया जाए, जैसे चटाई बनाना, कताई करना, ऐसे जो है खिलौने बनाना, इन सभी जो कार्य किए जा रहे हैं वे कैसे होंगे? रचनात्मक होंगे। दूसरा है हमारा रसास्वादन, जैसे रसा स्वादन या रसानुभूति, रस अनुभूति, जैसे कोई गाना गाना या गीत गाना, ये सभी कैसे होंगे हमारे रसास्वादन में। अब है अभ्यास, अभ्यास करना, अभ्यासात्मक। तीसरा है अभ्यासात्मक, जैसे जी आपका अभ्यासात्मक में आपका है जैसे साइकिल चलाना सीखना आपका किस में आएगा? अभ्यास में आएगा। जब कोई भी कार्य करने के लिए व्यक्ति प्रयास करता है, अभ्यास करता है, तो अभ्यासात्मक। और अंतिम किलपैट्रिक के द्वारा जो बताया गया था वह समस्यात्मक, किसी भी समस्या का समाधान करना, कि किसी भी बालक के सामने समस्या आ गई, किसी भी बालक ने यह पूछ लिया कि दिन और रात कैसे होते हैं, दिन व रात क्यों होते हैं, ऐसे प्रश्नों का यदि समाधान किया जा रहा है किसी परियोजना को बना करके, तो वो होगी हमारी समस्यात्मक। किसी कार्य का अभ्यास किया जा रहा है तो अभ्यासात्मक। किसी गीत का गायन किया जा रहा है तो रसानुभूति, कविता पाठ या पद बंधों का या
पद्य का पाठ करना सीखना ही हमारा रसस्वादन कहलाएगा और किसी वस्तु का निर्माण करना हमारा रचनात्मक परियोजना में आएगा। तो जी एक बार पुनः देखेंगे, परियोजना विधि के प्रकार तो होते हैं दो, व्यक्तिगत परियोजना और सामूहिक परियोजना। जब एक व्यक्ति विशेष के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत परियोजना। जैसे चार्ट बनाना, चटाई बनाना, मॉडल तैयार करना, खिलौने बनाना, ये सभी हमारे व्यक्तिगत में आ जाएंगे। और कोई भी कार्य आपका सामूहिक रूप से हो रहा है तो वह कौन सी परियोजना में चला जाएगा, सामूहिक परियोजना में चला जाएगा। अब आगे यही प्रकारों पर बात आ गई। अब बात आती है यहाँ पर, अब बात आती है जी परियोजना विधि के गुण। प्रकार हम पढ़ चुके हैं, अब बात आती है परियोजना विधि के गुण। तो पहला गुण तो है परियोजना विधि वाल केंद्रित होती है। जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है वह बालक की इच्छा और अभिलाषा आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है, तो बाल केंद्रित विधि है। दूसरी जो विशेषता आती है वह आती है मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक विधि है। तीसरी है समस्या का व्यवहारिक हल खोजती है। व्यवहारिक हल खोजती है। बालक में रचनात्मकता का विकास होता है। अगली जो हमारी गुण या विशेषता है वह है बालक में समूह प्रवृत्ति का विकास होता है। समूह प्रवृत्ति का विकास होता है। और अगली हमारी जो विशेषता है वह है बालक परिस्थितियों में सीखता है। तो जी हमारी परियोजना विधि है उसकी कुछ गुण हैं जिन पर हमने अभी चर्चा की, एक बार पुनः देखेंगे। पहला है परियोजना विधि बाल केंद्रित होती है, मनोवैज्ञानिक होती है, समस्या का व्यवहारिक हल खोजती है, बालक में रचनात्मकता या उत्पादकता का विकास करती है, किस बालक में समूह प्रवृत्ति की भावना का विकास करती है और बालक परिस्थितियों में सीखता है। अब यही बात आ जाती है परियोजना विधि के दोष। अब हमने यहाँ पढ़े गुण, एक पक्ष आलोचनात्मक अध्ययन करते हुए अब बात करेंगे दोषों की। तो सबसे पहला दोष यही है कि परियोजना विधि अत्यंत खर्चीली विधि है। खर्चीली विधि है। कैसी विधि है? खर्चीली विधि है। और परियोजना विधि सभी विषयों के अध्ययन के लिए उपयोगी नहीं है। उपयोगी नहीं है। परियोजना विधि से कक्षा कक्ष का वातावरण एक कारखाने के समान हो जाता है।
एक कारखाने के समान क्या हो जाता है, वातावरण हो जाता है कक्षा कक्ष का। आगे है अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। तो जी ये कुछ दोष थे परियोजना विधि के जो हमने पढ़े कि परियोजना विधि अत्यंत खर्चीली होती है, समय अधिक लगता है, कक्षा का जो वातावरण है कक्षा कक्ष का वह एक कारखाने के समान हो जाता है, बालक अधिक समय लगता है और उच्च कक्षाओं के लिए क्या है उपयोगी नहीं है। तो आज हमने परियोजना विधि के बारे में पढ़ा, परियोजना विधि के बारे में हमने जाना कि एक बार मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि परियोजना विधि के बारे में जो हमने पढ़ा एक बार पुनः रिवाइज करेंगे हम सब कि परियोजना विधि, परियोजना शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वह किया था प्रौद्योगिकी देन माना जाता है शब्द प्रयोग किया था 1900 में रियार्ड्स के द्वारा। किसके द्वारा? रियार्ड्स के द्वारा। और इसका जो विचार दिया गया था वह दिया गया था दर्शन शास्त्र में। किसके द्वारा? जॉन डीवी के द्वारा। यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है और विचार से प्रभावित होकर के किल पैट्रिक ने कब 1918 में परियोजना विधि का प्रतिपादन कर दिया। परियोजना विधि किसी भी समस्या का क्या करती है? व्यवहारिक हल खोजती है, जो हम पढ़ चुके हैं। जी धन्यवाद। आगे की कक्षा में इसी प्रकार आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आपके लिए एक बार पुनः धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।